प्यारे दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि धर्मराज यानी यमराज धरती लोक के प्राणियों की मृत्यु का समय निकट आते ही उन्हें यमलोक ले जाते हैं। ये भी सत्य है कि जो भी जीव इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। भगवान राम ने भी इस धरती पर अवतार लिया था, उन्हें भी एक न एक दिन देह को त्याग करना ही था। जब भी धर्मराज भगवान राम को ये बताने का प्रयास करते कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, तब तब राम भक्त हनुमान उन्हें आने से रोक देते थे। उन्हें भगवान राम से अत्यधिक मोह था। धर्मराज को पता था कि हनुमान तो अमरत्व को प्राप्त हो चुके हैं, वो महान शक्तिशाली भी हैं, इसलिए वो उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे। पर भगवान राम को पता था कि धरती पर जन्म लेने से मरना ही पड़ता है, वो इस चक्र से बच नहीं सकते हैं। वो ये भी जानते थे कि उनके परम प्रिय हनुमान उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि कभी ना कभी उन्हें मृत्यु को वरण करना ही है। भगवान राम भक्त हनुमान के होते हुए मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकते थे। एक दिन हनुमान जी महल से बाहर बगीचे में घूमने गए। इसी बीच राम ने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और उससे खेलने लगे। उसे उछालते उछालते उन्होंने जमीन पर पड़ी एक दरार में गिरा दिया। जब हनुमान टहलने के पश्चात महल में आए, भगवान राम ने उनसे कहा, हे बलि, मेरी एक अंगूठी खो गई है, क्या तुम उसे ढूंढने में मदद करोगे? हनुमान जी ने स्वीकृति में सिर हिलाया और अपने शरीर को छोटा करने लगे। अगले ही क्षण उन्होंने अपने शरीर को इतना छोटा कर लिया कि वो भूमि में बनी दरार में प्रवेश कर सकते थे। हनुमान उस दरार में घुस तो गए, पर जैसे ही हाथ बढ़ाकर अंगूठी को पकड़ने जाते, वो अंगूठी और नीचे की ओर खिसक जाती। हनुमान जी के पास अंगूठी के पीछे जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। पीछा करते करते काफी समय बीत गया। कुछ देर बाद वो पाताल लोक में पहुंच गए। वहां वो नागों के राजा नागराज से मिले। हनुमान जी ने नागराज से प्रार्थना की, हे नागराज, प्रभु राम की अंगूठी पाताल में गिर गई है, कृपा करके आप मुझे वो अंगूठी लौटा दीजिए। नागराज बोले, मेरे पास अंगूठी से भरी एक कोठरी है, धरती से जो भी अंगूठी गिरती है वो वहीं पर जमा रहती है, आप उस कोठरी में जाकर अपनी अंगूठी ढूंढ लीजिए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करता हूँ। ये कहकर वो कोठरी में गए तो वहाँ सैकड़ों अंगूठियाँ पड़ी थी। वो श्री राम की अंगूठी खोजने लगे। थोड़ी देर ढूंढने से श्री राम की अंगूठी मिल गई। वो उसे लेकर लौटने लगे, पर पाताल में समय बहुत धीमी गति से चलता है। वहाँ का एक पल पृथ्वी लोक में कई वर्षों के बराबर होता है। जब हनुमान अयोध्या पहुंचे तो काफी समय बीत गया था। इधर भगवान राम अपने नश्वर शरीर को छोड़कर जा चुके थे। वो प्रभु राम से अंतिम बार भी मिल नहीं पाए। ये सोचकर वो अस्थिर हो गए, उन्हें बहुत कष्ट हुआ। प्रभु राम शायद जानते थे कि हनुमान उनका बिछोह नहीं सह सकेंगे, इसीलिए उन्हें पाताल लोक भेज दिया। अमृतत्व प्राप्त करने के कारण हनुमान जी इसी धरती पर रहने को मजबूर हैं। जहाँ भी मंदिरों में भगवान राम जी की कथा होती है, वहाँ वो भक्तों पर कृपा करने के लिए परोक्ष रूप से वहीं विद्यमान रहते हैं। दोस्तों, ये बात पूर्णतः सत्य है कि जो धरती पर आता है उसे एक न एक दिन संसार छोड़कर जाना ही पड़ता है। वनवास के समय जंगल में श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जा रहे थे। एक दिन सीता जी और लक्ष्मण को थका हुआ देखकर श्री राम को कुछ देर रुककर आराम करने का विचार आया। उन्हें कुछ दूर पर एक झोपड़ी दिखाई दी और वो उसके अंदर चले गए। वहाँ एक बुढ़िया सूत कात रही थी।
बुढ़िया ने राम लक्ष्मण और सीता जी को बैठाया और भोजन करने के लिए कहा। श्री राम ने बुढ़िया से कहा, माई अगर मेरा हंस पहले मोती चुगे फिर ही मैं भोजन करूँगा। बुढ़िया बहुत गरीब थी और सूत काट कर गुजर बसर करती थी, उसके पास तो मोती नहीं थे। उसने घर आए राम लक्ष्मण और सीता जी जैसे अतिथि को मना करना पाप समझा। वो अपना अतिथि धर्म निभाने के लिए मजबूर थी। वो वहाँ के राजा के पास गई और उनसे एक मुट्ठी मोती उधार मांगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस बुढ़िया के पास खाने को दाना नहीं है लेकिन वो एक मुट्ठी मोती उधार मांग रही है। राजा जानता था कि बुढ़िया किसी भी सूरत में अपना उधार नहीं चुका पाएगी। फिर भी राजा ने अपने नौकर चाकर को बुढ़िया को पुराने पड़े मोती देने को कह दिया। बुढ़िया मोती लेकर अपनी झोपड़ी में लौट आई। उसने हंस को चुगाया तो राम लक्ष्मण सीता जी ने उसके घर पर भोजन किया। जाते जाते राम जी ने उसकी झोपड़ी के बाहर पानी रखने की जगह के पास एक मोतियों का पेड़ लगा दिया। कुछ दिन के बाद पेड़ बड़ा हुआ और उसमें मोती लगने लगे। बुढ़िया को इस बात का कुछ पता नहीं था। अड़ोस पड़ोस वाले चुन चुन कर मोती ले जाते थे। एक दिन बुढ़िया उस पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी तो पेड़ की डाल से एक फली टूटकर बुढ़िया की गोद में गिरी। बुढ़िया ने उसे तोड़ कर देखा तो उसके अंदर से मोती निकले। बुढ़िया अब समझ गई, ये मोती का पेड़ है। उसने एक कपड़े में बहुत से मोती बांधे और राजा के महल पहुंच गई। राजा ने सोचा कि बुढ़िया कुछ मांगने आई है। तब बुढ़िया ने राजा को मोती से भरी पोटली दे दी। राजा को इतने सारे मोती देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने बुढ़िया से इसके बारे में पूछा। बुढ़िया ने राजा को सारी बात बताई और कहा कि मेरे मोती तो अड़ोस पड़ोस वाले चुपचाप उठा कर ले जाते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ले ले, मुझे मोती क्या करना है। राजा ने तुरंत पेड़ मंगवा लिया और अपने दरवाजे पर लगवा दिया, पर राम जी की मर्जी से वो पेड़ कांटे का बन गया और उसमें मोती लगने बंद हो गए। एक दिन उस पेड़ का कांटा रानी के पैर में चुभ गया और रानी को बहुत कष्ट होने लगा। तब राजगुरु की सलाह पर राजा ने वो पेड़ वापस बुढ़िया के घर लगवा दिया। उस पेड़ पर फिर से मोती आने लगे। अब वो बुढ़िया राम जी की कृपा से खूब आनंद से रहती और खूब मोती लुटाती। बोलो भगवान रामचंद्र की जय। हे राम जी, जैसी उस बुढ़िया पर कृपा की वैसी कृपा हम सब पर करना। खोटी की खरी और अधूरी की पूरी करना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं।